मतलब मैंने आपको इसलिए पकड़ा है आज कि आपसे ही मैंने इंटरव्यू किया था बुमराह का, तो मैंने कहा यार जिससे मैंने इंटरव्यू किया था बुमराह का मैं उससे पूछती हूँ कि आज बुमराह नो डाउट बहुत अच्छे यॉर्कर्स खेलते हैं, लेकिन आज हारिस ऑफ ने प्रूव किया है कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान की ही है। देखें पाकिस्तान की बॉलिंग ही है, बैटिंग तो है नहीं, बाबर आजम के अलावा कोई नहीं है, उसने भी कल माशाल्लाह अच्छी आपके देख लें जीरो पे आउट। मैं हारिस ऑफ की काफ़ी तारीफ सुन रहा हूँ और उन्होंने जो 5 विकेट लिए हैं, तो मैं तो अंग्रेजी में कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं जो आपसे प्यार है तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा विल यू मैरी मी, सॉरी विल यू मैरी मी नहीं होता, आप कह रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार मींस कि आई लव यू, सॉरी मैं देसी बंदा हूँ ना इसलिए सॉरी हारिस ऑफ आई लव यू। मैं खुद ये कहना चाह रही थी कि इंडियन टीम में से मुझे वैसे हार्दिक पांड्या बहुत पसंद है और साथ में अब देखा ये तो हारिस ऑफ कमाल किया कल उन्होंने। हाँ ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं आज बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही हूँ कि मैं काफी दिनों से बुमराह कर रही थी कि बुमराह आए हैं इंजरी के बाद वापस और जिस तरह से आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर्स में 2 विकेट्स लिए हैं, आज मेरा दिल हारिस ऑफ ने जीत लिया है कि 6 ओवर्स में 5 विकेट्स, अनबिलीवेबल, क्या कहना चाहते हैं? तो उस दिन तो मैंने यही बात आपसे की थी, आपने माना ही नहीं, आपने कहा नहीं जी बुमराह तो आप मान ही नहीं, तो आज देख लें। यही चीज में मतलब मैंने आपको इसलिए पकड़ा है आज कि आपसे ही मैंने इंटरव्यू किया था बुमराह का, तो मैंने कहा यार जिससे मैंने इंटरव्यू किया था बुमराह का मैं उससे पूछती हूँ कि आज बुमराह नो डाउट बहुत अच्छे यॉर्कर्स खेलते हैं, लेकिन आज हारिस ऑफ ने प्रूव किया है कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान की ही है। देखें पाकिस्तान की बॉलिंग ही है, बैटिंग तो है नहीं, बाबर आजम के अलावा कोई नहीं है, उसने भी कल माशाल्लाह अच्छी आपके देख लें जीरो पे आउट। तो बाकी बॉलिंग ही है पाकिस्तान की, अगर बॉलिंग ना होती 200 स्कोर तो किसी के लिए भी चेज करना वनडे मैच है, तो उसके लिए 200 स्कोर तो कोई मैंने नहीं रखता आज के दिन। अफगानिस्तान की टीम की बातें हो रही थी, राशिद खान की बात हो रही थी, उनका भी ये बड़ा जबरदस्त खेलने के बॉलर है, लेकिन आज जैसे बाबर आजम आउट हुए हैं, जीरो पे आउट हुए हैं, हम ठूस थे, हमने कहा गए हम लोग, राशिद खान अकेला क्या करेगा, बाकी भी तो खेलने चाहिए ना। आप यहाँ देखें सिर्फ बाबर आजम अकेला क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, बाकियों ने भी कुछ नहीं किया, स्कोर हुआ 200, स्कोर कुछ भी नहीं था, लेकिन बॉलिंग हमारी शाहीन ने की है, अच्छी की है, उसके बाद उन्होंने भी हारिस ऑफ ने भी अच्छी किया, तो आप हारिस ऑफ ने कमाल किया है, तो आप माने ना उस दिन आप मान ही रहे थे, आपने कहा नहीं जी नहीं बुमराह लेकिन बुमराह नो डाउट इज अ गुड मैन, इज अ गुड बॉलर, इज अ गुड यॉर्कर प्लेयर, बट स्टिल आई वॉज शॉक्ड कि मैं कह रही थी कि 4 ओवर्स में बुमराह 2 विकेट्स लगे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 6 ओवर्स में हारिस माशाल्लाह से 5 विकेट्स ले जाएंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू से ही अच्छी रही है, आप ये ना कहें कि जी बुमराह ठीक है, हारिस ऑफ ठीक है, मतलब दूसरे उनके बॉलर ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग या बैटिंग, मैंने यही बात की बैटिंग है नहीं, तो बॉलर ही चलने हैं तो बैटिंग तो चलनी नहीं है, तो इस हिसाब से तो उनसे तो हमारी बॉलिंग ही अच्छी है, तो बॉलिंग में बुमराह नहीं आ सकता, पाकिस्तानी बॉलर ही हैं। मैं यही देख रही थी कि कल जैसे बाबर आजम ने खेला है जीरो पे आउट हो गए हैं जाकर, माशाल्लाह दोनों ओपनर ही जीरो पे आउट हुए हैं, और देखा जाए तो मैं कहती हूँ एशिया कप में क्या करेंगे ये लोग, वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, अगर हमारे बॉलर्स अच्छे ना निकले तो हम तो रुड़ जाएंगे बीच में जाके। नहीं देखें इन लोगों ने तो पहले एक ही बार अच्छा किया जाए इंडिया के खिलाफ, उन्होंने 152 तो तकरीबन ये किए थे, तो बाकी तो इनकी बैटिंग शुरू से ही देख लें, इतनी खास बैटिंग नहीं है, बॉलिंग हमारी अच्छी है, बॉलिंग के बारे में ये कहते हैं शाहीन है हमारे पास, हारिस ऑफ है, नसीम शाह है, तो मेरे ख्याल से बैटिंग हमारी इतनी नहीं है जितनी बॉलिंग अच्छी है। ओके थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम उसामा है। उसामा क्रिकेट खेलते हो? जी बिल्कुल खेलते हैं। बैट्समैन हो या बॉलर हो? मैं बॉलर हूँ लेकिन फिलहाल कोई चांस नहीं मिला, लेग स्पिनर हूँ। कैसे वाले बॉलर हैं, स्पिनर है या लेग स्पिनर? माशाल्लाह से। चलो मेरा सवाल भी आज का ये, कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था जिसमें कहने के बाबर आजम और हमारे दोनों ओपनर्स बिल्कुल क्लीन बोल्ड नजर आए, लेकिन हारिस ऑफ ने दिल जीत लिया है, 6 ओवर्स में 5 विकेट्स ले गए हैं, जैसे कि मैं बुमराह कर रही थी कि 4 ओवर्स में बुमराह ने 2 विकेट्स लिए आयरलैंड के खिलाफ, तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स डैशिंग है? देखिए जी पाकिस्तान के बॉलर्स तो कमाल के खतरनाक हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है वसीम अकरम साहब को, और इस बार तो शुभ अख्तर ने भी ये कहा कि पाकिस्तान फेवरेट होगी, क्योंकि जो हमारा बॉलिंग लाइन है ना वो तबाही है, ठीक है। बाकी मैं हारिस ऑफ की काफ़ी तारीफ सुन रहा हूँ और उन्होंने जो 5 विकेट लिए हैं, तो मैं तो अंग्रेजी में कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं जो आपसे प्यार है तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा विल यू मैरी मी, सॉरी विल यू मैरी मी नहीं होता, आप कह रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार मींस कि आई लव यू, सॉरी मैं देसी बंदा हूँ ना इसलिए सॉरी हारिस ऑफ आई लव यू, ठीक है। आई लव यू बनता भी है हारिस ऑफ के लिए जिस तरह से उन्होंने खेला है ना, आई मीन टू से कि जैसे ही बाबर आजम और वो आउट हुए हैं ना, हमने छोड़ दी उम्मीद, 200 का टारगेट दे दिया, अफगानिस्तान के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जी बिल्कुल, मैं कल हॉस्टल में था और मैं मैच देख रहा था लोगों के साथ, और मेरे ख्याल से हम शुरू में हमने बंद कर दिया था, जब वो बोल्ड हुए, जब आउट हुए तो हमने बंद कर दिया, हमने कहा यार छोड़ो यार ये क्या मजाक है,
लेकिन उसके बाद जो आर एस रूफ की जो परफॉर्मेंस थी और जो पूरी टीम ने जो एक दब से कम बैक किया, मैं समझता हूँ ये अमेजिंग है। मतलब तो इस वक्त बुमराह और हारिस रूफ को कंपैरिजन बन रहा है? नहीं नहीं यार, ये तो खैर ज्यादा है। बुमराह ठीक है, अच्छा बॉलर है, लेकिन आर एस रूफ सर हमारा ब्रांड है, ठीक है। बुमराह का तो मुँह ही ऐसा नहीं, नहीं शक्ल ही ऐसा नहीं, वो ब्रांड वाली है, लेकिन आर एस रूफ तो 150 प्लस बॉलिंग करता है और जिस हिसाब से वो बॉलिंग करता है, और लास्ट टाइम पर जो उन्होंने ठीक है कोहली ने चक्का मार लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बुमराह से वो कंपेयर करें। अब कहाँ आर एस रऊफ, कहाँ बुमराह, ऐसा लग रहा है जैसे 70 के सामने आप जो है ना किसी ने 1300 सी कोई कार खड़ी की हुई है, कोई बड़ी सी कार, और आप कह रहे हैं जी इनकी और इनकी स्पीड है। बुमराह नो डाउट बहुत फेमस हैं, एंड मैंने उन पर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि बात भी की, और मैंने काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस भी लिए। लोगों ने कहा कि डेंजरस प्रूफ हो सकता है पाकिस्तानी टीम के लिए भी, क्योंकि यॉर्कर्स डेथ ओवर्स बड़े अच्छे खेलते हैं वो लोग, एंड बुमराह नो डाउट अच्छे प्लेयर है, लेकिन इस वक्त हारिस रऊफ कैंट बिलीव कि 6 ओवर्स में 5 विकेट्स ले जाना बड़े दम की बात है। जी बिल्कुल, देखिए हम तो खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, बुमराह अच्छा बॉलर है, फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमारा इधर पाकलैंड अकेडमी में एक लड़का है वो भी उसको फॉलो करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी तरह मतलब पाकिस्तान इंडिया को या उनके कल्चर को, हमारे कल्चर को या क्रिकेट के लिहाज से अगर उनके बॉलर्स को और हमारे बॉलर्स के तरह कंपेयर किया जाए, और फिर आर एस रऊफ जैसे बॉलर को, इतने डेंजरस बॉलर को, और वो बुमराह के साथ, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सरासर जाती है। हमारा आर एस रऊफ ब्रांड है वो इतना नहीं है, वो अगर आप देख ले तो इनकी फैन फॉलोइंग भी नहीं है। मतलब इस पर सारी टीम्स को पता चल जाना चाहिए कि एशियन वर्ल्ड कप में के पाकिस्तानी आ रहे हैं, एंड पाकिस्तानीज आर ब्रांड, और ब्रांड प्रूफ करेगा कि असल में बॉलिंग होती कैसी है। सर बॉलिंग तो प्रूफ होगी, और ना सिर्फ वो आ रहे हैं और वो कप उठाने के लिए आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो अभी से आगे खड़े हुए हैं उनको पीछे हट जाने चाहिए, क्योंकि जो 150 प्लस बॉलर आ रहे हैं आर एस रऊफ, उन्होंने तो मेरे ख्याल से कोहली को फूक मार के उड़ा देने, ठीक है आपने एक टाइम पर चक्का वगैरह मार लिया, कोई मैच जीत दिया, लेकिन एक बाद का थोड़ी सी हालात ख़राब होती है, लेकिन इस बार हम आएंगे और सिर्फ आएंगे ही नहीं और सिर्फ जाएंगे भी नहीं, हम वापसी में फिर वर्ल्ड कप भी लेके आएंगे और एशिया कप भी लेके आएंगे, अगर कोई रोक सकते हैं तो फिर रोक लें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक अल्लाह करम। सर क्रिकेट खेलते हैं? यस। बैट्समैन है या बॉलर है? बॉलर। कौन से वाले? राइट आर्म फास्ट। राइट आर्म फास्ट है, चले मेरा सवाल भी आज दोनों बॉलर्स पर ही है, बुमराह की बात कर लें या हारिस रऊफ की बात कर लें। बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ 4 ओवर्स में 2 विकेट्स लिए हैं, कल अफगानिस्तान के खिलाफ हारिस रऊफ ने 6 ओवर्स में 5 विकेट्स ले लिए, दिल जीत लिया है हारिस रऊफ ने, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि दोनों प्लेयर्स का कंपेरिजन बन रहा है? अगर पिछले दो ढाई साल से देखा जाए ना तो जसप्रीत बुमराह भी बहुत अच्छा करता आ रहा है, लेकिन ये जो साल चल रहे हैं ना दो यानी 22 और 23 का, इसमें हारिस ने काफ़ी अच्छा किया है, तो इस वक्त हारिस मतलब पहले बुमराह बहुत कमाल का चल रहे थे, इंजरी के बाद बुमराह वापस आए हैं, और आते ही इंडियन टीम उनको काफ़ी हाइप कर रही है, काफ़ी सपोर्ट कर रही है कि इंजरी से उनका दिल जो सब बैठे ना, बल्कि और मजीद अभी तक आप कप्तानी भी वो कर रहे हैं T20 की। जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं वो? नहीं, कप्तानी के लिहाज से तो मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन वो काफ़ी अच्छा बॉलर है, मुझे लगता है कि वो कमबैक करेगा वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा। जिस तरह से इस वक्त हारिस रऊफ खेल गए हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, जता दिया उन्होंने, लेकिन लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तानी टीम से जीत पाएंगे। वो तो फिर चलता है ना, मैच ऐसा ना हो तो मज़ा कैसे है। हमारे ओपनर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आते ही ठूस नजर आए हैं। वो चलता है यार, कभी कभी मैच के दौरान ऐसा होता है, अब हर बार ओपनर भी नहीं खेलते, मिडल के ओवर में जो बैट्समैन होते हैं उन्हें भी खेलना पड़ता है। मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कि बुमराह जिस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके आए हैं, यॉर्कर्स खेलते हैं, डेथ ओवर्स खेलते हैं, तो क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आप इन चीज़ों को लेकर? मीन्स टू से कि पाकिस्तानी टीम के लिए बुमराह साबित हो सकते हैं खतरनाक थ्रेट? पाकिस्तानी टीम के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो अर्शदीप है ना, मेरे ख्याल से न्यू बॉल से वो है अगर अच्छी बॉलिंग करे, वरना जसप्रीत बुमराह। और हारिस रऊफ इंडियन टीम के लिए, उनके बैट्समैन के लिए? हारिस रऊफ जो डेथ के ओवर है ना, नसीम और हारिस, क्योंकि शाहीन को हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो डेथ में इतनी खास नहीं करता, न्यू बॉल से अच्छी करता है, तो नसीम और जो हारिस है ना, ये दोनों डेथ में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करें। मैं खुद ये कहना चाह रही थी कि इंडियन टीम में से मुझे वैसे हार्दिक पांड्या बहुत पसंद है, और साथ में अब देखा ये तो हारिस रऊफ कमाल किया कल उन्होंने। हाँ ये तो है, लेकिन हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छा, काफ़ी टाइम से अच्छा करता रहा, मुझे भी पसंद है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छी बैटिंग करता है वो, काफ़ी ज़्यादा। हाँ बुमराह के बाद हर्षदीप सिंह भी है, जैसे कि आपने कहा कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया इस वक्त काफ़ी उम्मीद कर रहा है कि बुमराह अच्छा चलें। मुझे नहीं लगता नहीं चलेंगे, वो रेडी बैठे हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। जैसा मर्जी हो, क्योंकि परफॉर्मेंस पर देखा जाता है अब लोगों का क्या है, जैसे हम लोग इधर सवाल जवाब कर रहे हैं ऐसे वो भी अपना अपना माइंड, अपना अपना सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह अर्शदीप या मोहम्मद शमी से अच्छा करेगा।